अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाथरस कांड को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज है, आपको दिखाते हैं जिस तरीके से भगदड़ वहां पर मची। बहुत बड़ी संख्या में लोग सत्संग में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां अचानक से भगदड़ की स्थिति बन गई। सीसीटीवी फुटेज वहां से एक और नया सामने आया है, वो आपको हम दिखाने वाले हैं। ये देखिए आप, अब अचानक से वहां पर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद भगदड़ मची। 121 जो कि अब आंकड़ा 123 का हो चुका है, 123 लोगों की जान जा चुकी है इस पूरे ही घटना में, इस पूरे हादसे में। उसका नया वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी वीडियो है जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये उस घटनास्थल का जहां पर भगदड़ मची, जहां पर सत्संग चल रहा था और लाखों की संख्या में तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, और उसी जगह का एक वीडियो जो इस वक्त सामने आ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हाथरस कांड से जुड़ा, जिसमें 123 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बीते कल तक ये संख्या 121 थी, लेकिन आज ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 123 तक पहुंच गया है और अभी भी कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं कि इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। कई तरह के सवाल प्रशासन को लेकर और आयोजनकर्ताओं को लेकर, और इसी बीच जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। ये हाथरस कांड का नया सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर आपको देखिए दो लोग यहां पर आपको टहलते हुए नजर आ रहे हैं, दो सिपाही यहां पर लग रहा है कि ड्यूटी पर गार्ड या फिर तैनात हैं, और ये जो तस्वीर सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम एबीपी न्यूज पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये बाबा के निकलने के बाद का सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जब बाबा, भोले बाबा जिसको कहा जा रहा है, सूरजपाल जिसका नाम है, बाबा के निकलने के बाद सीसीटीवी फुटेज इस वक्त जो नया सामने आया है इस पूरे ही हाथरस कांड के बाद, वो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। अब जो तस्वीर वहां की उभर करके सामने आई, कहा यह गया कि 80,000 लोगों के जुटने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन यहां पर लोग पहुंचे 2.5 लाख के करीब, और वहां से जब भगदड़ मची तो बाबा सूरजपाल को लेकर यह कहा गया कि वो वहां से उस वक्त रवाना हो चुका था, और बाबा के निकलने के बाद का ये इस वक्त फुटेज बताया जा रहा है। अब कैसे हादसा हुआ, कौन जिम्मेदार है, कहां पर लापरवाही हुई, और बाबा अंडरग्राउंड कहां पर हो गया है इस हादसे के बाद, कहां छिपा हुआ है, लगातार टीमें अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक तो कोई सुराग नहीं लगा के। ये नया वीडियो जो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज है बाबा के निकलने के बाद का, वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब बाबा यहां से किस तरीके से भागा है, इसको लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। बहुत सारे सवाल, जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है, इसको लेकर सीएम योगी ने भी ये कहा कि सख्त एक्शन लिया जाएगा जिसकी भी, जिस स्तर पर भी लापरवाही है, सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं, ये कहा जा रहा है। इस बीच ये नया वीडियो भी सामने आया कि हाथरस कांड का सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और वीरेश पांडे हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं, आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश, ये नया वीडियो है, इसमें दिख क्या रहा है, जरा आप ही बताइए विस्तार से, और सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर ये बाबा सूरजपाल जिसको भोले बाबा कहा जा रहा है, वो लापता कहां पर है, कहां अंडरग्राउंड हो गया, उसकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग लग नहीं पाया। देखिए, जिस तरीके से अभी आप फ्रेम में देखिए, एपी सिंह है, ये बाबा के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये पहुंचे हैं। अभी इससे पहले विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, वो भी यहाँ पहुंचे। तो यहाँ पर एक जो राजनीति है वो चरम पर है, और सर हर सवाल यही पूछा जा रहा है कि बाबा कहाँ है, बाबा के जो सेवादार हैं जिनकी बड़ी भूमिका है वो कहाँ है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से सेवादारों की भूमिका है, किस तरीके से वहाँ भगदड़ मची और किस तरीके से वहाँ पर लोगों को रोकने की कोशिश की गई। तो ये जो भूमिका है बाबा की और बाबा के सेवादारों की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल इतने बड़े हैं कि इसका जवाब नहीं सूझ रहा है। बार बार जब मैंने एपी सिंह से पूछने की कोशिश की तो एपी सिंह कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म है और ऐसे में बाबा के ऊपर ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है, बाबा ने जो कहा है बाबा का कोई दोष नहीं है, बाबा के पीछे जो इतने लाखों भक्त खड़े हैं, तो ऐसे में हम जो भूमिका देख रहे हैं
बाबा की वो काफी संदिग्ध है, और यही मानकर पुलिस प्रशासन भी बाबा की खोजबीन कर रही है, न केवल यहाँ पर यानी हाथरस में बल्कि आसपास के जिलों में खोज हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड की सरकारों से पुलिस के संपर्क में भी है यूपी पुलिस, जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है, तो धीरे धीरे परत खुल रहा है। एक बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जो ये स्थल है यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ घटना होती है, और घटना के जो सड़क के उस पार जहाँ बाबा की सभा चल रही है, वहाँ पर हम देखें तो जो एक महिला के शव की बात दिखाई दे रही थी कि वहाँ भगदड़ से पहले एक महिला का शव वहाँ सामने आया, कुछ यहाँ प्रत्यक्षदर्शी इस बात को भी कह रहे हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर कहानियाँ निकल कर सामने आ रही हैं जिसमें बाबा की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है। और जब मैंने विश्वनाथ पाल से पूछा कि दलितों को लेकर यहाँ राजनीति हो रही है, बसपा क्या राजनीति कर रही है, बाबा दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, तो सारा ठीकरा सरकार, जिला प्रशासन, उनकी लापरवाही पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, मैं एपी सिंह से बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर किसकी भूमिका है इसमें, जो जिसके जिसको दोषी वो मानते हैं, ये तो जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है बार बार कि भाई हमारी भूमिका केवल इतनी है कि हमारे बाबा प्रवचन करते हैं, बाबा प्रवचन करते हैं, भक्त तो आते हैं, लेकिन 80,000 की जगह पे 5 लाख आ गए, 2.5 लाख आ गए, इस पर इनका कोई जवाब नहीं है। एपी सिंह साहब, स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि बाबा दोषी है कि नहीं दोषी। नहीं, देखिए उनका क्या रोल है, वो जा चुके थे जब ये घटना हुई, तो उससे पहले जा चुके थे, अपने वाहन के साथ जा चुके थे, उनके मंच के पीछे वाहन लगते वहाँ से जा चुके थे। उनके जाने के बाद ये घटना हुई है, ना वो पैर छुलाते हैं, ना पैरों की पूजा करवाते हैं, ना चंदा है, ना डोनेशन है, ना चढ़ावा है, ना रसीद, ऐसा कुछ नहीं है, ना नारायण साकर ही सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप और इसका कोई लिंक्डइन पेज, ट्विटर, किसी का कोई प्रयोग नहीं करते नारायण साकार हरि, कभी उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन वो मानवता भलाई, मानवता भाईचारे के लिए काम करते हैं जिसमें सभी जाति धर्म क्षेत्र के लोग। उनका कोई दोष है कि नहीं? नहीं, उनका कोई दोष नहीं, किसी तरह का दोष, दोष किसी का नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण, दोष किसका, अपने दोष पूछा है ना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ है, अपयश तो लग गया ना, अपयश लगा है, वो अपयश जीवन भर लगेगा, हानि हुई है, हमारे लोगों की हानि हुई है, जीवन गया है, जीवन हुआ है, मरण हुआ है, सेवादारों की भूमिका है, सेवादारों के बच्चों की मरण हुआ है, सेवादारों की पत्नी मारी गई, माँ मारी गई, इसमें जो व्यवस्थापक थे, जो आयोजक थे, उन्हीं के परिवार लठैत सेवादार क्या कर रहे थे, जो लाठियों से रोक रहे थे? कोई लठैत सेवादार नहीं है, सारे कानून के तहत व्यवस्था करते हैं सब कानून। तो पुलिस बाबा भागे भागे कहाँ फिर रहे हैं? भागे भागे नहीं है, कहीं नहीं, सामने क्यों नहीं आते? भी बुलाया जाए, देख कभी भी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी मर गए, तो बाबा को सामने आकर उन अनुयायियों के घर वालों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए मिल रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, अलीगढ़ गए हैं अभी, यहाँ आप वकील हैं, आप कानून की लड़ाई लड़िए, लेकिन बाबा को आना चाहिए। हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके घाव पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, हम संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बाबा को सुनने के लिए लाखों लोग आए और सैकड़ों मर गए, और बाबा निकल कर उनके परिजनों से संवेदना भी व्यक्त नहीं कर रहे? उन्होंने तो भेजा है, उन्होंने तो संवेदना व्यक्त की, उनका लेटर आपको भी मिला होगा। बाबा कौन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है, तभी को भेजे हैं, आप तो वकील हैं। नहीं है तभी तो आप ही 2.5 लाख बता रहे हैं, अपने आप आते हैं ना लोग, वो तो नहीं बुलाने जाते ना, आते हैं अपने आप, तो श्रद्धा है ना, आस्था है ना, भक्ति है ना, प्यार है ना, अनुराग है ना, भावनाएं है ना, तो उन भावनाओं की मजाक क्यों? उन भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने का काम बाबा ने किया ना? वो नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग गलत चीजें दिखा दिखा कर ठेस पहुंचाने। क्या गलत दिखा दिया बताइए, लाखों लोग यहाँ आए तो वो भक्त हैं, भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया ना बाबा ने? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, उनके साथ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, और बिल्कुल वो नहीं, तो उसी विश्वास का गला घोटा ना बाबा ने? नहीं घोटा, कभी नहीं गला, आस्था विश्वास। आप कह रहे हैं कि आप चले आए, आप तो वकील हैं। नहीं आया हूँ तो भेजा हूँ ना, अपने आप तो नहीं आ गया, भेजा हूँ,
तभी आया हूँ। आप तो निर्भया में भी गए, आप हाथरस में जो कांड हुआ था उसमें भी गए। बुलाया गया, आप भी तो आए हैं। हम तो आए हैं, आप किस लिए आए हैं? हमें तो हम तो कवर कर रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं। मैं तो बाबा को बेनकाब करने आए। आप बेनकाब करने आए हैं? मैं सच्चाई भक्तों के भक्ति से खिलवाड़ है, हम सच्चाई दिखाने आए हैं। आप मीडिया का क्यों नहीं आ रहे हैं? हम कानून के अनुसार चलाने आते हैं। क्यों नहीं आए कानून के अनुसार? बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं भक्तों के दुख पर? अरे अपने भक्तों के बीच आए, भक्तों के बीच हैं। जनता कह रही है कि बाबा क्यों नहीं आए? भक्तों के बीच हैं वो, भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है बाबा ने। भक्तों के बीच हैं वो, भक्तों के बीच में है, वो है बीच। भक्तों को पता है, आप भक्त नहीं है इसलिए आपको नहीं पता है। ये बताइए जो लोग मर गए उनके बीच तो जाना चाहिए ना बाबा को? बाबा ने जनता के साथ क्या किया है? जनता ये कह रही है, जनता कह रही है, जनता का जवाब है आपके पास? जनता कह रही है, क्या पूछ रहे हो? नहीं, इन्होंने बघेल साहब को भेजा है यहाँ पर। ये कह रहे हैं भक्ति भक्ति में सबको मेट दो और मिटा दो सबको, और ये तो अपनी रिपोर्ट बना के ले जाएंगे। यही जनता की राय है, जनता की राय। बाबा को फांसी होनी चाहिए यहाँ पर, बाबा को फांसी होनी चाहिए। जनता बहुत पर, ये जनता की राय है। जनता पूछिए क्या होना, ये जनता की राय। स्थल वाले बताओ, बताइए एपी सिंह साहब, ये जनता की राय। जुर्म के लिए आप कहते हो, अरे आप क्या कहते हो फांसी? किस बात, कौन से जुर्म है? शर्म करो, ऐसे आप सब लोग ऐसे सब लोग शर्म करो, अच्छा नहीं लगता। शोभा मा, ये जो चीज जायज है। अरे यहाँ पर लोगों की मौत हुई है, इतने लोग मरे हैं, तो इनको भी देखना चाहिए कैसे क्या। सिंह साहब, यहाँ जनता की आवाज सुन रहे हैं आप? जनता की मांग क्या है? बाबा दोषी हैं, लोग कह रहे हैं। जनता की आवाज सुन रहा हूँ, इसीलिए तो FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज हुई इसीलिए। FIR बाबा पे दर्ज होनी चाहिए। FIR तो दर्ज हुई है। देखिए ये मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं बाबा। मुर्दाबाद, देखिए FIR कह रहे हो। नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिलाकर है बाबा मुर्दाबाद। क्या बाबा मुर्दाबाद? आप बताइए साहब, एपी सिंह साहब, आप पैरवी करने आए हैं और जनता में आक्रोश देखिए। जनता का आक्रोश है बिल्कुल, तभी तो आए हैं यहाँ, इसीलिए तो हम आए हैं, इसीलिए तो अपनी बात कह रहे हैं, इसीलिए तो अपनी घर उजड़ गया। उसे पूछो ना घर जाके, है बाबा तो अपने आश्रम में आराम से एसी में बैठा है, है? और बगीचा भेज दिए, चलो इंक्वायरी कर रहा हूँ। एसी में बैठे हैं, आपको भेज दिए, ये सवाल है? आप इसका जवाब दीजिए ना एपी सिंह। का जवाब आप दीजिए, आपसे पूछा गया है, इसका जवाब देखो। सवाल है एपी सिंह साहब से पूछो, ये बाबा के वकील है। हाँ, वकील साहब हैं बाबा के, पूछो सवाल पूछो। मैं कह तो रहा हूँ बाबा प्रवचन देना ही जानते हैं, हम तो उनके भी हो जाएंगे। कह रहे बाबा एसी में लेटे हुए हैं, भागे भागे फिर रहे। हमसे नहीं कह रहे, आपसे कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं। आप बताइए बाबा अपने भक्तों के बीच में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए बताइए? भक्तों के बीच में है, भक्तों के बीच में है वो, जहाँ भक्तों की जरूरत है वहाँ भक्तों। बाबा के सेवादार लठैत हैं कि गुंडा हैं? सेवादार हैं, सेवा करते हैं सिर्फ, सेवा के नाम पर लाठी चलाते हैं? नहीं। ये देखिए मुर्दाबाद के नारे। ठीक है, आप चुनाव लड़वाइए इनको, चुनाव लड़वाइए। नहीं, चुनाव क्यों लड़वाएं बताइए? ये भक्त हैं, ये गरीब हैं, ये नहीं है। भक्त मुर्दाबाद नहीं कहता, भक्त मुर्दाबाद नहीं कहता। देखिए जनता की आवाज है। वकील साहब तो अच्छे के भी लड़ते हैं, बुरे का भी लड़ते हैं। अच्छे का भी लड़ते तो ठीक कर रहा हूँ ना काम, मैं तो ठीक हूँ ना। आप अच्छे का भी लड़ते हैं तो बुरे का लड़ते हैं? वकील साहब तो सब तरह के लड़ते हैं, हैं? तो ये थोड़ी कह दिया किसी को मार दो, बाबा को आना चाहिए था ना, बाबा को आना चाहिए ना। हाँ, बुला लीजिएगा आप। आप बताइए ना, आप वकील हैं, हमें आना चाहिए कि बुला लें? देखिए बाबा दोषी है कि नहीं, ये बताइए बाबा दोषी है कि नहीं? नहीं। बाबा दोषी है कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं है नहीं। तो कौन दोषी है? सेवादार दोषी है कि नहीं? वक्त दोषी है, समय दोषी है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है। जो लोग मर गए वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एंटी सोशल एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने जो किया है वो दोषी है। आपको लगता है कि सामाजिक रूप से लोग साजिश हुई है? कोई बहुत बड़ी साजिश हुई, बहुत बड़ी साजिश। आप साजिश मानते हैं? बहुत बड़ी साजिश हुई। किसका षड्यंत्र है? षड्यंत्र पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। नहीं तो सरकार भी कह रही है कि साजिश है? हाँ, सरकार कह रही है, उनकी IV कर रही है, इंटेलिजेंस कर रही है, वो रिपोर्ट सामने आएगी, इसीलिए SIT जांच हो रही है। आप किस पर शक कर रहे हैं? वो शक मेरे शक करने से नहीं है, SIT जांच कर रही है। मान रहे हैं कि साजिश और षड्यंत्र बाबा को बदनाम करने की? बिल्कुल, बहुत बड़ा। तो किस कौन है इसके पीछे? सामने आएगा ना, एक्सपोज। बाबा क्यों नहीं निकल कर कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश? निकलने की नहीं जरूरत है, उन्होंने कह दिया है, जो मैं कह रहा हूँ वही वो कह रहे हैं। तो आप बताओ ना कि आप साजिश मान रहे हैं, तो बाबा के दुश्मन कौन है?
जो भी दुश्मन है एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, वो आएगा सामने। मानते हैं कि साजिश है, साजिश है, बड़ी साजिश करने वाले कौन है? बाबा तो बाबा है, बाबा तो भगवान की भूमिका में है। वो पुलिस में पता चलेगा, पुलिस में आए। आखिर ये बताइए ना कि बाबा अगर भगवान है तो भक्तों के साथ साजिश किसने किया? बताइए आप यहाँ पे क्यों पहुँचे हुए? यहाँ घटना स्थल पर मैं देखने आया हूँ, जो भी घटना हुई है उसके प्रति संवेदनाएं हैं नारायण साकार हरि ने व्यक्त की हैं। इंजर्ड हैं, हम अलीगढ़ भी गए थे, अलीगढ़ में 17 लोगों की मौत हुई है, उनके घर भी गए और जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उनको अलर्ट पे दिया है कि वो अपनी सारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट के मृतक हैं और जो इंजर्ड हैं उनके लिए मदद करें, जो भी तन मन धन से मदद कर सकते हैं और उनके लिए काम। सिंह साहब थोड़ा आगे आइए, मैं आपके आगे आगे हमको थोड़ा दिखाइए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या आपने पूरा मुआयना यहाँ पे किया है? पूरा देख लिया मैंने, घटना स्थल है, इसमें कोई ऐसी बिल्कुल बिल्कुल मृत हो सकती थी क्योंकि किसान मिट्टी में रहने वाले लोग हैं। ये एपी सिंह है, वकील बाबा के, वो कह रहे हैं कि निर्दोष है बाबा, और कोई षडयंत्र दिख रहा है। अगर निर्दोष है तो सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे भागे भागे वो आखिर फिर क्यों रहे हैं, छिपते क्यों फिर रहे हैं? 123 जो अनुयायी थे बाबा के, उनकी जान चली गई। एसआईटी जांच करे, एसआईटी जांच करे। और ये देखिए, अच्छा ये बताइए लोग क्या कह रहे हैं, लगातार कोई साजिश ना है, जब वकील लेता रुपया कमेटी भाई, बाबा देता है ना रुपया, और जो मैं युद्ध करवा बताए, जो हर जगह जा रहे हैं हाथ रसू गई वकील साहब, बाबा जा रहे थे, बाबा ने बोला है मेरे चरणों की धूल ले जाओ, अपने अपने घर जनता आएगी उनके पीछे, और ये धक्का मक्की हुई है और कोई चीज नहीं है सर। बाबा को फांसी होनी चाहिए, बाबा को फांसी होनी चाहिए, बाबा रेपिस्ट है, जो खत्म हुए उनको छिनतर लगी हुई है, 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलने चाहिए, मुआवजा देने बाबा की तरफ से मिलना चाहिए, और बाबा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए बाबा को, फांसी होनी चाहिए। और अंधविश्वास है, अंधविश्वास कुछ नहीं है, अंधविश्वास फैलाया, बिल्कुल बिल्कुल। वकील साहब तो कह रहे हैं कि बाबा कोई दोष नहीं है, ये कहते हैं कि मेरे चरणों की धूल लगा लो माता के साथ सब दुर्भाग्य खत्म हो जाएगी। बाबा तो कह रहे हैं, ये वकील साहब कह रहे हैं, समझे बाबा मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे? सबसे पहली बात, बाबा सही है तो मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे? बाबा को आने चाहिए, मीडिया पे आने चाहिए, अपने भक्तों को जो भक्ते हैं इनके लिए बताना चाहिए, मीडिया पे आके क्यों नहीं आ रहे? ये मुर्दाबाद क्यों कर रहे हैं? बाबा को आना चाहिए यहाँ पर, अपने भक्तों के बीच में। हाँ, भक्तों के बीच में आना चाहिए, यहाँ पे घायलों के साथ परिजनों के साथ यहाँ आना चाहिए। बाबा शक्तिशाली, यहाँ पर आके बाबा शक्तिशाली जिंदा करे भक्तों को आके। बाबा तो लोगों की मौत यहाँ पर क्यों होती है? अगर बाबा नहीं आते यहाँ पर तो लोगों की क्यों मौत होती? बाबा को अगर यहाँ पर लोग खत्म हो गए तो बाबा को आना चाहिए यहाँ पर, नहीं आना चाहिए? वकील साहब तो कह रहे हैं कि कोई दोष ही नहीं है, वकील साहब कह रहे हैं कोई दोष नहीं है। अब बाबा के चरणों की धूल कहाँ गई? अब बाबा के चरणों की धूल कहाँ गई? शक्ति वाली लोगों की जान बचाती, इन्हें पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा कि मेरे भक्त मर रहे हैं, उनको पीछे मुड़ के देखना भी चाहिए। बाबा के खिलाफ किस तरीके से जनता के बीच इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा है, आक्रोश नजर आ रहा है, वो आप सीधे लाइव देख रहे थे। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि हादसे तो होते ही रहते हैं। रामगोपाल ने यह भी कह दिया कि ये साजिश नहीं, ये हादसा है। तो रामगोपाल यादव ने कहा कि हादसे तो होते रहते हैं, और जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये कोई साजिश अगर है तो इसका भी पता लगाया जाएगा, साजिश होगी तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि ये हादसा है, साजिश नहीं है। ये हादसा तो हादसे ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया, गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है ये, कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। वीरेश, देखिए, एक तरफ तो जो बाबा के अनुयायी हैं वो ये कह रहे हैं कि हादसे हैं, वक्त है, ऐसा हो गया, और दूसरी तरफ राजनीति देखिए, रामगोपाल यादव ये बयान दे रहे हैं कि ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं, ये कोई साजिश नहीं है। अच्छा, तो ये इसका जवाब तो जनता ही बताएगी। ये बताओ कि राजनीति भी शुरू हो गई है, नेता लोग कह रहे हैं ये साजिश नहीं है, ये हादसा है, ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। ये साजिश भी बोल रहे हैं नेता लोग, और हादसे भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हादसा भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है।
धक्का मार रहा था उसमें, एक लड़की में वो जो डंडा लेके ठा रहे थे उसने, वो औरत गिर गई, उनने धक्का मारा है, जब एक लेडीज गिरी है ताके बाद तरा ऊपर गिरते चले आए चरणों की धूल लेने के लिए, भागे थे एकदम, उसने धक्का मार दिया। नेता लोग कह रहे हैं कि साजिश नहीं है तो ऐसी घटना होती रहती है, ऐसे कैसे घटना हो जाएगी, सब बाबा की साजिश है, बाबा के कर्मचारियों ने स्वयं धक्का मुक्की की है यहाँ पर, तब सब कुछ हुआ है, और बाबा ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि मेरे चरणों की धूल ले जाना, अपने घर पे मैं जा रहा हूँ, और धक्का मुक्की इसीलिए हुई है, बाबा ने पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा है कि जनता, मेरी जनता मर रही है, क्या हो रहा है क्या। गोपाल यादव कह रहे हैं कि साजिश नहीं हुई है तो घटना होती रहती है, तो घटना तो होती रहती है, जब इन्हें मालूम है कि इतने लोग मरे हैं तो बाबा को कम से कम यहाँ पर आना चाहिए, क्या नाम चाहिए। अब ये बकीन साहब ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है राम गोपाल यादव ने जो कहा, अब थोड़ी सी संवेदनशीलता तो नेताओं को भी दिखानी होगी। ये कहा जा रहा है कि ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं, अब इस बयान को लेकर भी लोगों में गुस्सा, और साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो ये कि आखिर कहाँ छिपा बैठा है सत्संग वाला सूरजपाल।